अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मुगलई पनीर की रेसिपी। तो चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है पनीर, बादाम, काजू, पोस्ता दाना, कोकोनट पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी, मिल्क एंड स्पाइसेस में हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और फिर हम ओनियन, कैप्सिकम और कोरिएंडर लीव्स को चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और उसमें आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इसके गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डाल के इसे सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल के इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, तो इस स्टेज पे हम कैप्सिकम डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हमारा मसाला कुक हो रहा है हम दूसरी तरफ पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए हमें दूध में पोस्ता दाना, काजू और बादाम डालना है। उसके बाद हमें एक जार ले लेना है और उसमें मिल्क, काजू, बादाम, पोस्ता दाना और कोकोनट पाउडर डाल के उसका थिक पेस्ट बना लेना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर हमने जो थिक पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें बची हुई पेस्ट को ऐड करके इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 मिनट के लिए लिड लगाकर इसे अच्छे से पका लें। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है केचप एंड ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और ये कितना अच्छा और क्रीमी लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे। तो फाइनली हमारा मुगलई पनीर बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। देखने में तो ये बहुत यमी एंड टेम्पटिंग लग रहा है।
सो यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल जायका विद लॉट्स ऑफ जायका को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।